बचपन का तो पूरा किस्सा तुमसे था। रक्षाबंधन वादा है, या धागा है प्यार का, ओ, धागा है प्यार का। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कोई आशीर्वाद नहीं मिलेगा तुम लोगों को भाइयों बहनों से जब तक कि बहनों को तुम लोग गिफ्ट नहीं दोगे। ये तो रक्षाबंधन की प्रथा है। अरे गिफ्ट लाए हो कि नहीं? कहाँ है गिफ्ट्स? जिस राम ने चोंच दी है वही दाना भी देगा। मैं लाया हूं ना आप लोगों के लिए गिफ्ट। बांधा एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। थैंक यू बच्चों। इतने छोटे छोटे बच्चे और इतने बड़े बड़े गिफ्ट। दोस्तों आज की असली सुपरस्टार सभी बहनों सहजमीन कौर, दीपिका खन्ना, सादिया खातिब, स्मृति श्रीकांत का दिल से स्वागत। वन ऑफ द मोस्ट हार्ट टचिंग डायरेक्टर्स ऑल टाइम आनंद राय सर के लिए जोरदार तालियां। खिलाड़ियों का खिलाड़ी ग्लोरियस 31 इयर्स ऑफ द ट्रू ब्लू सुपरस्टार इंडिया के सबसे बड़े फेवरेट अक्षय कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप सभी को रक्षाबंधन की मुबारकबाद। मैंने बहुत फिल्में की हैं लेकिन एक ही लाइन में कहूँगा, मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्म, मैंने ये फिल्म देखी है, सबसे बेहतरीन फिल्म रक्षाबंधन है। क्या बात है। मैं भी एक बहन हूँ और मुझे वो देखकर पता नहीं एक ऐसी वॉर्म्थ मेरे मुझे फील हुई। ये फिल्म सबको परिवार सहित देखनी चाहिए क्योंकि ये एक और बॉन्ड करने का तरीका है अपने भाई बहन से। साथ में जाके देखनी चाहिए ये फिल्म। मैम ये फिल्म हमारा हिंदुस्तान है। बढ़ते हैं। आदि 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 जी जावेद भाई, शुरू तो हम करते हैं लेकिन है ना आज हमारा सलमान किधर है यार? एक्चुअली जावेद भाई, हमारे खुफिया कैमरामैन साहिल सूरी ने हमें एक वीडियो पहुंचाई है, सो लेट्स हैव अ लुक। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? गाइस मैं इस हफ्ते नहीं आ पाऊंगा क्योंकि आप सभी को तो पता है कि फिनाले बहुत ही नजदीक है और मुझे मेरी कुर्सी के लिए एक मास्टर प्लान करना है। लेकिन मैं बहुत जल्द आऊंगा एक बहुत ही कमाल का मास्टर प्लान लेकर आप सभी के सामने। और माय टीम, माय सुल्तान, माय चीता, आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं भेज रहा हूँ आप सबके लिए एक बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही सुरीला कैप्टन जिसका नाम है निहाल। वो इंडियन आइडल 12 में थे। क्या बात पवन, है पवन, दानिश, अरुणिता और साइली के साथ में। वाह। सो गाइस जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे बड़े भाई का, निहार का, जिनकी आवाज सुनकर फिल्म रक्षाबंधन में अचार ने अपने वादे के अनुसार उन्हें द अक्षय कुमार के लिए प्लेबैक करवाया। निहाल चारो। मेहंदी लगी थी दुल्हन सजी थी, मेहंदी लगेगी दुल्हन सजेगी, आंसू छुपा के तेरा भाई हंसेगा, डोली को कांधा देगा और ये कहेगा, तेरे साथ हूँ मैं, तेरे साथ हूँ मैं।
तेरे साथ हूँ मैं, तेरे साथ हूँ मैं। वाह 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 निहाल, निहाल वाकई में इतने लकी हैं कि इतनी बड़ी फिल्म में उन्हें गाने का मौका मिला है और वो भी इतने खूबसूरत गाने आपने गाए हैं। कांग्रेचुलेशंस न्यू निहाल, जाइए अब बच्चों को सिखाइए कुछ। ऑल द बेस्ट, मिलिए अपने पुराने दोस्तों से। बुलाते हैं आज की पहली कंटेस्टेंट महाजन समायरा। जिनकी दीवानी है कैटरीना कैफ से लेकर कैमरन डियाज, मोहम्मद फैज। फैज, आज आपकी बहन आई है। जी भैया। तो मिलाइए हमको। दी। नमस्कार। हाय, नमस्ते। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा जी। भैया मेरी एक और बड़ी बहन भी है, साहिबा दीदी। अच्छा। और ये बीच के हैं और हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखते हैं दोनों दीदी। मैं ये कहना चाहूँगा, मतलब मेरे मम्मी जैसे हैं मेरे लिए। कच्चे धागों का ये रिश्ता, ये बहुत हमारा मतलब ध्यान रखता है। कहीं भी जाती हूँ ट्यूशन वगैरह तो साथ जाता है और छोड़ कर आता है, अकेला कभी नहीं छोड़ता। मेरे डैडी बाहर रहते हैं, हमारे पास नहीं रहते, बहुत सालों से आते हैं, तो कभी कभी डैडी की जरूरत होती है कभी कभी किसी जगह पे, तो फैज उनका रोल भी प्ले करता है। मरते दम तक साथ निभा, एज छोटी है लेकिन दिल और दिमाग से बहुत बड़ा है फैज। बंध के रक्षा बंधन से। हाँ सर, मैं इनको बहुत बड़ा सीए बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी जो सबसे बड़ी दीदी है साहिबा दीदी, उन्होंने भी हम दोनों के लिए स्कूल जाना बंद कर दिया था और घर से पढ़ाई करी ताकि मैं कुछ बहुत अच्छा कर लूँ। इन दोनों ने हमेशा मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं यही चाहता हूँ कि इनको मैं सबसे अच्छी लाइफ दूँ। और मेरा एक और सपना है कि मैं मेरी दोनों दीदी की शादी जो है बहुत धूमधाम से करूँ, कि उन्होंने कभी सोची भी नहीं हो ऐसी। फैज के बारे में क्या ही बोलूँ, इतना नाम रोशन कर चुका है फैज हमारा, मेरी दीदी का, मेरा, मेरी मम्मा का, सब बहुत खुश होते हैं इसको देख के। लेकिन ये पढ़ाई में अच्छा है बट मैथ्स में बहुत ज़्यादा वीक है, हमेशा जीरो ही रहता है मैथ्स में। मैं समझ सकती हूँ, कलाकार है, कलाकार ये मैथमेटिक्स वगैरह में थोड़ा सा उनका दिमाग कम काम करता है। आई सिंपथाइज विद यू, मैं भी मैथ्स में बहुत बुरी थी। धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। थैंक यू फैज। शेफ नृत्यानंद, नृत्य का आनंद लेते हुए स्टेज पे आइए। ओह, आज कुछ अलग ड्रेस पहना है यार। सुबह को भी शाम को भी तेरी कनों में जय जयकार दी। अरे शेफ साहब, क्या बात है, आज डिफरेंट लग रहा है। नॉर्मल कपड़ों में लग रहा है, बहुत हैंडसम लग रहे हैं। इनके समझ आज अक्षय सर हैं, आनंद सर हैं, इनके लिए कुछ खास डिश नहीं लाए? नहीं सर, आज बहुत ही स्पेशल त्योहार है ना। हाँ। तो मैंने सोचा कि परेशान नहीं करते हैं किसी को भी। अच्छा, तो आप जानते हैं कि आपके खाने से लोग परेशान होते हैं? अब दिख रहा है सर थोड़ा। लेकिन थोड़ा मैं इनके लिए लाया हूँ। जी सर। देखो आप क्या रहा? ए? ये तो पूरा ये क्या है, देख तेरे लिए। सर पूरा बफे लेके आए हैं। मैंने देखा है प्रोग्राम में एक दो बार देखा, अजीब अजीब चीजें लेके आता है। गरम मसाला केक, नीम गुलाब जामुन, ये है टिंडा बिस्किट। इसलिए मैंने भी कहा कि
मैं भी लेके आता हूँ रक्षाबंधन टीम की तरफ से, तेरे लिए पानी पूरी लाया हूँ। देख ये देखिए हल्दी नीम, ये देखिए हल्दी नीम। ये क्या लिखा है? शरबत तिक्खा वाला सर। तिक्खा वाला जी सर। फिर करेला कद्दू, करेला कद्दू। फिर मलाई मूली सर। मलाई मूली, मूली मूली, मलाई मूली मूली। बाप रे। फिर काढ़ा केला। काढ़ा केला कौन सा खाएगा सर? ये काढ़ा केला खाऊंगा सर। क्यों? ये क्यों नहीं खाएगा करेला? सर वो भी खा लूंगा सर। वो भी खा लेगा, इधर ही खा ले। ये नए नए इंग्रेडिएंट्स देखने को मिल रहे हैं। और अरे नहीं 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 नहीं, रहने दो। करेला कद्दू पानी, क्या बात है। और कौन सा खाएगा? हाँ हरकतें रिस्की रिस्की, बिगर इसे किसकी किसकी, आये नमूना नंबर वन जिद्दी। क्या खा रहे हैं? यू नो, कहे जो कोई कुछ भी राह चले सच की सच की। इसमें थोड़ा सा काला नमक होता ना सर, तो अलग ही टेस्ट आता सर इसका। ये तू ले जाइयो, इसको बनवा के लेके आना। सर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो उधर सब फ्रेंड्स हैं, रोहन चैतन्य सब लोग आए, सोए फैज प्रांजल सब लोग आए, सबको खिलाएं। पहले तू, पहले तू गाना गाएगा, उसके बाद हम सब मिल मिल के खाएंगे, ठीक है ना? जी सर। ठीक है, गाना रेडी है सर? जी जी। कौन सा गा रहा है? सर चुरा के दिल में। अरे क्या बात है, थैंक यू सर। और प्रत्युष के साथ आज परफॉर्म करने आ रहे हैं पवन के पटाखों से बेबी डॉल साइशा गुप्ता। चिरक दिल मेरा गोरिया चली, चिरक दिल मेरा गोरिया चली, उड़क निंदिया कहाँ तू चली। Oh,
के दिल मेरा क्या बात है अलका जी, अलका जी के लिए तालियां। ब्यूटीफुल प्रत्युष, तू ये पूरा गाना जज की तरफ तो देखा ही नहीं, तूने सारा गाना उसी को देख के गा लिया। जिस हिसाब से तूने गाना गाया, गाना गाते वक्त मुझे लगता है तू उसका कोच भी था। उसका कोच भी बना हुआ था, मतलब तेरे में कितने गुण हैं। तू खाना भी अजीब बनाता है, तू टेढ़े मेढ़े गाने भी सही सीधी तरह से सुर में गा लेता है। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, पूरा के निंदिया कहा तू चली। अक्षय सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू यार। इस लड़के का दिल कितना जोर से धड़क रहा है जी, इतने डांस में धड़क रहा है तेरा दिल इतना। ठीक है, अगली बार धड़कन के गाने गाइयो। क्या बात है, थैंक यू सो मच अक्षय सर। लेट्स गो हमारे अगले परफॉर्मेंस की तरफ। पूरे देश में गूंज रही है जिसके नाम की ध्वनि, राजा बेटा मनी। मनी से ये पूछना चाहता हूँ, मैंने इसका एक दो प्रोग्राम में गाने सुने हैं जी, इसकी आवाज बहुत बुलंद है। मनी कौन सा गाना गाने वाले हो आप? सर मैं सॉन्ग गाने वाला हूँ तेरे संग यारा। तेरे संग यारा, अगर मैं आपको कहूँ कि तेरे संग यारा मत गाओ और कुछ और गाओ जो मैं आपको कहूँगा, आप कर सकते हो? जी सर मैं कोशिश करूँगा। अच्छा आप कोशिश करोगे, तो चलिए मैं आपको एक बहुत ही मुश्किल सा गाना देता हूँ जो इन्होंने ही बनाया है, नमस्ते लंदन का। ओ जो राहत फतेह अली खान ने गाया था, मैं जहां रहूं, आप गाओगे? व्हाट अ सॉन्ग। तो चलिए मनी आप कोशिश करिए, हम आपके लिए साथ हैं। ओके धन्यवाद, ऑल द बेस्ट मनी। तेरी याद
चक दे फटे ते नप दे गिल्ली। ये आज से मनी का नाम मनी धर्मकोट। धर्मकोट इसलिए क्योंकि इसके आवाज में इसकी गांव की महक है। आहा, इसलिए आज से तेरा नाम मनी धर्मकोट। मनी धर्मकोट। मजा आ गया, मतलब बहुत ही बेहतरीन। तू यार लास्ट मिनट में तूने गाना चेंज कर दिया, तूने गाना गा दिया, कैसा लगा आप सबको? बहुत ही बढ़िया मनी, तेरी नसें पूरी नसें बाहर आ गई हैं। मैं कहता हूँ कमाल गाया तूने, बहुत बढ़िया बेटा। थैंक यू सर। मुझे इसकी एक बात अच्छी नहीं लगती सर जी। जब मैं स्कूल में जाता हूँ तो इसका बैग पकड़ता हूँ तो मेरा बैग भी भारी होता है जी, तो मैं फिर भी इसका बैग उठा लेता हूँ और ये सहेलियों के साथ आगे जाती जाती चॉकलेट खाती है और मुझे पूछती भी नहीं। ये एक बहन का हक होता है। बिल्कुल अलका जी, है ना? 100%। पर ये मेरी प्यारी बहन है। धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। तो मनी आज रक्षाबंधन है, आज आपने अपनी प्यारी बहन को कोई गिफ्ट दिया कि नहीं? मैं लेकर आऊँ। ऑफ कोर्स, यस, लेकर आइए। मैं रहूँ ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूँ ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। अरे वाह, आराधना से थोड़ा ही छोटा गिफ्ट लेकर आए हैं आप। थैंक यू भैया। धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूँ ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूँ ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। और मनी आपने स्पेशली यही गिफ्ट क्यों दिया? आप तो कुछ भी दे सकते थे। सर ये मेरी बहन को ये सब चीजों का बहुत शौक है पर नहीं ला पाए जी। तो जो मुझे पिछले हफ्ते सर ने मुझे पैसे दिए थे तो जी। वो पैसे मेरे पास थे तो मैंने उससे ये खरीद लिया। थैंक यू बेबी। प्यारे राजू, कल गल करते वक्त एकदम याद आया कि 11 अगस्त की राखी है। तो स्टाफ नू कहता कि माँ दे कमरे दी सफाई कर दे। बहुत कुछ पुराना मिलिया राजा, तेरे पुराने बॉक्सिंग ग्लव जो पाके तू मेरे उत्ते प्रैक्टिस करदा सी, मैनू नील दे देंदा सी। फैमिली दिया फोटो, तेरी पुरानी खूब सारी सहेलियां दिया फोटो भी, नाल कुछ कॉपियां भी जिन्हां ते तू रब जाने की उटपटांग लिखदा रहिंदा सी। ऐ सब वेख के मैनू लग्या कि तैनू एक चिट्ठी लिखा, वरना आमने सामने बड़ा मुश्किल लगता है इमोशनल गल्लां करन वास्ते। और नहीं तो जब तू मिलेंगा फिर वही लूडो ताश खेलांगे, ना मैं कुछ कह पावांगी ना तू कुछ सुन पाएंगा। ऐ ना समझ के सेंटी हो रही हूँ, पर एक मन दी गल करना चाह रही हूँ कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग राजू। मिडिल क्लास घरां विच हमेशा कुछ ना कुछ कमी पैंदी है, पर माँ ने, डैडी ने ते फिर तूने कदी उस कमी दा पता चलन ही नहीं दिता। डैडी दे जान तो बाद घर दा वड्डा तू ही सी, तू कदी लगन नहीं दिता कि डैडी नहीं हैगे। मेरे हर दुख सुख विच मेरे नाल खड़ा रहा, मेरा ख्याल रख लिया, और मेरा क्या सब दा। मैनू कदी सिमर ले कुछ खरीदने की लोड़ ही नहीं पई, क्योंकि तू ही सूटकेस भर के उदे आस्ते कपड़े ले आंदा सी। अपने पैरां ते चलना भी तेरे नाल ही सिखिया, ते पैरां ते खड़े होना भी। दोस्त, भाई, बाप सारे रोल निभाए तूने राजा। चल
तू ख्याल रख अपना, बाकी 11 अगस्त नु मिलने राखी ते। और सुन, अपना क्रेडिट कार्ड ना भुली, नाल लेके आई। बहुत सारा प्यार, अलका। तेरे साथ हूँ मैं, तेरे साथ हूँ मैं। We love you, Raju. तेरे साथ हूँ मैं, तेरे साथ हूँ मैं। शो शुरू करो। थैंक यू आनंद, थैंक यू। मेरी जब बहन पैदा हुई थी तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे माँ बाप ने मुझे जो सिखाई थी, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। इस बात को अपने जिंदगी में गांठ बांध लो कि आपके घर में जब बेटी पैदा होती है, बहन पैदा होती है, मेरे माँ बाप ने कहा था घर में देवी आई है। ऋतुराज जी, क्या गाते हो आप यार। थैंक यू। कितने साल के हो? मैं 10 कंप्लीट। मतलब इतने बड़े बड़े सिंगर्स का आपने गाना गाया है, ऐसा मन करता है कि अभी आपको ले जाएं और प्लेबैक सिंगर बना दें दोनों को। वाओ, कीप अप द गुड वर्क एंड बी गुड। आज तो अक्षय जी यहाँ पर आए हैं और इससे बड़े देश के सुपरस्टार कोई है नहीं, तो डेफिनेटली सुपरस्टार नमस्ते अक्षय जी के लिए, आनंद जी के लिए, रक्षाबंधन की पूरी टीम के लिए और हमारे प्यारे ऋतुराज और आर्यनंदा के लिए, बिकॉज सुपर्ब गाया है तुमने। आर यू रेडी? रेडी।
जहाँ रहूं मैं कहीं भी हूँ तेरी याद साथ है. वन टू थ्री. कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है पर चुपके इस दिल में updates. Subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.